नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अगस्त शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले में रिश्वत के एक मामले में अदालत में 13 साल तक सुनवाई चलती रही। आरोपी इंजीनियर पर 1500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। अब उसको दोषी मानते हुए अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है। उदयपुर में भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दरअसल मामला 2009 का है। आरोप लगाने वाले डूंगरपुर निवासी रईस अहमद ने कोल्ड स्टोरेज में बिजली विभाग में नई LTCT लगाने के लिए आवेदन किया था। यह फाइल AN के पास गई। वहां से इस फाइल को बांसवाड़ा के बिजली निगम के AN को भेजा गया। भीलवाड़ा निवासी बांसवाड़ा AN चिरंजीत चौधरी ने काम के बदले 1500 रुपए की रिश्वत मांगी। ACB ने AN चिरंजीत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। टोंक पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी बस कंडक्टर को 20 साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि रोजाना बस से स्कूल पढ़ने जाने वाली 14 वर्षीय बालिका को बस कंडक्टर देवड़ावास निवासी मुकेश गुजर बहला फुसलाकर भोपाल ले गया, जहाँ उसने पीड़िता को अपने साथ 8 माह रखकर उससे दुष्कर्म करता रहा। बालिका के परिजनों ने 24 दिसंबर 2019 को घाट थाने में बालिका को लेकर मामला दर्ज करवाया था। इस पर बालिका को दस्तियाब करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 नवंबर 2020 को पोक्सो कोर्ट टोंक में चालान पेश किया था। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं का गबन करने के मामले में 3 डीलर्स और 1 लैंप्स व्यवस्थापक के खिलाफ रसद विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। रसद विभाग ने 4 के खिलाफ PDR एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। एक्ट के तहत 3 डीलर्स और 1 लैंप्स व्यवस्थापक द्वारा गबन किए गए 1483 क्विंटल गेहूं के बदले 40 लाख रुपए से अधिक की वसूली की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं के गबन के मामले में अब तक थाने में केस दर्ज होकर गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई ही होती आई है, लेकिन अब रसद विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती अपनाई है जिसमें PDR एक्ट में मामला दर्ज होकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। नागौर पुलिस ने झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में 2 नामजद आरोपियों को रोहिणी से गिरफ्तार किया है। SP राममूर्ति जोशी ने बताया कि 3 अगस्त को गट्ठी लासर निवासी गिरधारी राम ने बताया कि 28 जुलाई को उसकी पत्नी की सरकारी अस्पताल में डिलीवरी थी, जहां बेटी का जन्म हुआ। उसके चचेरे भाई ओमाराम और रोहिणी में रहने वाले राकेश सुथार सहित एक अन्य ने बेटी होने की खुशी में शराब ऑफर की। मना किया तो ओमाराम ने कहा कि बेटी हुई है, शराब तो पीनी पड़ेगी। तब उन्होंने जबरन शराब पिलाई। बाद में तीनों ने पिस्तौल दिखाकर कार में बिठाया और कलेक्ट्रेट परिसर के पास ले गए। वहां कुछ कागजों पर जबरन अंगूठा लगवाया। इसके बाद ओमाराम व उसके साथियों ने मिलकर श्री बालाजी थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन लोगों ने रंजिश के चलते परमेश्वर राजू व भंवरलाल सारण आदि को ब्लैकमेल करने के इरादे से धोखे से मेरे अंगूठे के निशान लिए और मामला दर्ज करवा दिया। उसकी बेटी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मामले में पुलिस की टीम ने राकेश सुथार व ओमा राम को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन में लिप्त लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब वे पुलिस को सीधी चुनौती देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने देखने को मिला है। यहाँ अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल की सरकारी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। कांस्टेबल ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक गणपत मीना निवासी बाड़ोलास को गिरफ्तार कर लिया है। वही दूसरा ट्रैक्टर चालक राहुल गुजर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। हनुमानगढ़ में दिव्यांग व्यक्ति को ट्रॉली दिखाने के बहाने कॉलोनी में बुलाकर हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 2 महिलाओं के साथ पीड़ित का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर और पिस्तौल दिखाकर 1 लाख रुपए ले लिए। संगरिया थाना क्षेत्र के मानकसर निवासी धन्नाराम धानक ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद और 4 अन्य लोगों के खिलाफ टाउन पुलिस थाना में इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है। उसने बताया कि उसे खेती के लिए ट्रॉली की आवश्यकता थी। गांव के गुलाब सिंह ने कॉल कर कहा कि उसकी नज़र में एक बढ़िया ट्रॉली है जो बिकाऊ है। इस पर वह गुलाब सिंह के बताए पते तुलसी विहार कॉलोनी हनुमानगढ़ स्थित घर में गया। घर में पहले से ही 2 महिलाएं और 2 पुरुष मौजूद थे। उन्होंने उसे पिस्तौल दिखाकर दोनों महिलाओं के साथ उसका अश्लील वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी सवार 10 से ज्यादा लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को असनावर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। गाड़ी सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के माचलपुर से खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। थानाधिकारी राजकुमार तोहारिया ने बताया कि असनावर के पास अखतासा में हाईवे पर एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी सवार लोगों को मामूली चोटें आई थी। प्राथमिक इलाज के बाद सभी लोग खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो गए। करौली सदर थाना क्षेत्र के ससेडी गांव के शमशान घाट से एक महिला के जलते हुए शव को निकलवाकर मुर्दा घर में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मारकर जलाने का आरोप लगाया है। एएसपी किशोर बुटोलिया ने बताया कि करौली के निकट भंगीपुरा ससेडी गांव निवासी विवाहिता 24 वर्षीय मीनाबाई पत्नी रामवीर मीणा की मौत के बाद ससुराल वाले अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए। विवाहिता की मौत की सूचना पीहर पक्ष को नहीं दी तथा शव का दाह संस्कार शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर महिला के पिता हरदयाल मीणा निवासी महू ने थाने को बताया कि लड़की को ससुराल पक्ष के लोगों ने मारकर अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना पर थाना पुलिस ससेड़ी गांव के शमशान घाट पहुंची और अधजले शव को निकलवाकर करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका की शादी अप्रैल 2019 में हुई थी। पूर्व में भी विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ था। बांसवाड़ा जिले में बीए फाइनल में पढ़ रही कॉलेज छात्रा ने 200 फीट ऊंचाई से नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। डूबने से उसकी मौत हो गई। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शव के समीप से बैटरी निकला हुआ बिना सिम का फोन मिला है। इसे लेकर पुलिस की जांच में कुछ आशंकाएं बन रही हैं। हालांकि परिवार की ओर से किसी तरह की आशंका नहीं जताई गई है। मामला दानपुर थाने के चंद्रौट गांव का है। जांच अधिकारी एएसआई रण सिंह ने बताया कि 20 वर्षीय मंजू छोटी सरवन स्थित सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।